टॉप नाइन में सबसे पहले बात चालबाज चीन की। अमेरिकी बम बर्षक विमानों ने चीन को कैसे चेताया। यूएस एयरफोर्स से डरे ड्रैगन ने सीमा पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। आरसीईपी में शामिल न होने पर भारत का बड़ा बयान। चीन से तनाव के बीच भारतीय नेवी के लिए कहां से आई बड़ी खुशखबरी। भारत के खिलाफ चीन की साजिश से जुड़ी खबरें आप देखिए टॉप नाइन चीन की चाल। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में लगातार तनाव बढ़ रहा है। चीन की चालबाजी पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने ईस्ट चाइना सी में दो सुपरसोनिक बॉम्बर तैनात किए हैं, जिनके जरिए ड्रैगन की गतिविधि पर पल पल की नजर रखी जा रही है। ईस्ट चाइना सी में तैनात यूएस एयरफोर्स के बॉम्बर B-1BS, MAZERO-01 और MAZERO-02 के विवादित हवाई सीमा में घुसने के बाद ड्रैगन ने सीमा की सुरक्षा के लिए दो लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। ईंधन भरने के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमान चीन की सीमा में घुसे थे। चीन ताइवान को डराने के लिए लगातार उसकी सीमा पर लड़ाकू विमानों को भेज रहा है। कल भी चाइना के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। ताइवानी एयरफोर्स ने दोनों फाइटर जेट को अंजाम भुगतने की धमकी दी, तब ड्रैगन के दोनों विमान दुम दबाकर अपनी सीमा में लौटे। अमेरिका और ताइवान के बीच डिफेंस डील होने के बाद ड्रैगन बौखलाया हुआ है और लगातार ताइवान की सीमा पर अपने लड़ाकू विमानों को भेज रहा है। पिछले महीने अमेरिका को ताइवान को सेंसर मिसाइल, तोपे और रॉकेट लॉन्चर देने का समझौता किया था। आरसीईपी में भारत के शामिल न होने पर विदेश मंत्री एसएस जयशंकर ने कहा कि हमारी कई मूल चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में हम ऐसे व्यापार समझौते में कैसे शामिल हो सकते हैं जिसमें मूल मुद्दों को नहीं सुना जा रहा है। इस समझौते से चीनी सामानों की भरमार होती जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होता। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारतीय नेवी को नवा PHI सर्विलांस विमान मिल गया है। PHI सर्विलांस विमान लंबी दूरी के एंटी सबमरीन वॉर, सरफेस वॉर के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए बनाया गया है, जिसके जरिए दुश्मन देशों की हरकतों को जाना जा सकता है। तालबाज चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने फॉरवर्ड एरिया में तैनात जाबाजों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर बनाए हैं। इन शेल्टरों में बिजली, पानी, हीटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जवानों को हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी दुश्मन से मुकाबले में कोई परेशानी न हो। मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने से बौखलाए चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। चीन ने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया मुझे दुश्मन बनाता है तो मैं दुश्मन बनूंगा। ड्रैगन ने ऑस्ट्रेलिया पर लीक हुए दस्तावेज को द्विपक्षीय संबंधों के लिए खतरनाक बताया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ताइवानी एयरफोर्स ने अपने लापता हुए एक F-16 लड़ाकू विमान का पता लगाने के लिए सभी F-16 विमानों की प्रशिक्षण उड़ान को रद्द कर दिया है। 17 नवंबर को हुआलिन एयरबेस से उड़ान भरने के बाद एक F-16 लड़ाकू विमान लापता हो गया था। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।